अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का इतिहास और रोचक बातें। वेलकम टू विवेक स्टोरी चैनल। दोस्तों मेरा नाम विवेक तिवारी है। दोस्तों भारत अपने अनूठे रहस्य चमत्कारों आकर्षक एवं कलात्मक की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद है जिनकी अद्भुत शिल्पकारी वास्तुकला एवं बनावट को देखते ही बनती है। उन्हीं में से एक है भारत के अमृतसर का प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल, जिसका निर्माण सोना धातु का इस्तेमाल कर किया गया है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है और सिख धर्म का यह मुख्य देवस्थान भी है, जिसे देखकर दुनिया भर के लाखों लोग आकर्षित होते हैं। केवल सिख धर्म के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी इस मंदिर में आते हैं। वहीं वर्तमान में यह मंदिर न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया के स्वर्ण मंदिरों की लिस्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर आता है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल सिख धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। दोस्तों इस मंदिर में न सिर्फ सिख धर्म के लोग बल्कि अन्य धर्म के लोग भी इसके धार्मिक महत्व और अद्भुत बनावट को देखने आते हैं। गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब और श्री दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अमृतसर में स्थित विश्व प्रसिद्ध इस स्वर्ण मंदिर का इतिहास 400 से भी ज्यादा सालों से पुराना है। इस मंदिर के निर्माण के लिए चौथे सिख गुरु रामदास साहिब जी ने कुछ जमीन दान दी थी, जबकि प्रथम सिख गुरु नानक और पांचवें सिख गुरु अर्जुन साहिब ने गोल्डन टेम्पल की अनूठी वास्तुकला का डिजाइन तैयार किया था, जिसके बाद 1577 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण काम शुरू किया गया था। इसके बाद अर्जुन देव जी ने बाद में इसके अमृत सरोवर को पक्का करवाने का काम किया। आपको बता दें कि इस प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण पवित्र टंकी के बीचों बीच यानी कि तालाब के बीच किया गया है, जिसमें बाद में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी स्थापित किया गया था। सिख धर्म के इस पवित्र स्थल के अंदर ही एक अकाल तख्त भी स्थित है, जिसे सिख धर्म के छठवें गुरु हरगोविंद जी का घर माना जाता है। आपको बता दें कि 1604 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण काम पूरा कर लिया गया था। हालांकि इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए गए हैं, जिससे इस मंदिर की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन बाद में फिर सरदार जस्सा सिंह अहुवालिया ने इस मंदिर का निर्माण फिर से करवाया और इसे वर्तमान स्वरूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें अहुवालिया खालसा दल के कमांडर और मिसल के प्रमुख सरदार थे। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल अपनी अद्भुत कलाकृति और अनूठी शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। हरमिंदर साहिब के छतों और दीवारों की डिजाइन हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। गोल्डन टेम्पल की दीवारों में की गई कारीगरी बेहद शानदार है। श्री हरमिंदर साहिब का निर्माण करीब 67 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में किया गया है। यह एक तालाब के बीचों बीच बनाया गया है, जिसमें करीब 40.5 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में गुरुद्वारा फैला हुआ है। गुरुद्वारा के चारों दरवाजों में बेहतरीन नक्काशी की गई है, जो कि देखने में काफी आकर्षक लगती है। यह दर्शनी देवरी कार्य मार्ग के किनारे पर स्थित है। इस गुरुद्वारे के डोर पैन को कलात्मक तरीके से सजाया गया है, जो कि सेतु की तरफ खुलता है, और यह सेतु मार्ग श्री हरमिंदर साहिब के मुख्य भवन की तरफ खुलता है। इस सेतु की लंबाई करीब 202 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस पावन तीर्थ स्थल की इमारत 3 मंजिला है, जिसमें पहली मंजिल की छत 26 फीट और 9 इंच की ऊंचाई पर है। वहीं इसकी पहली मंजिल पर गुरु ग्रंथ साहिब का निरंतर पाठ होता रहता है। रात के समय में तालाब के बीच में ये बना यह विशाल स्वर्ण मंदिर देखने में बेहद आकर्षक और मनोरम लगता है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की वास्तुकला हिंदू और मुस्लिम के बीच में प्रेम के सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एक उत्कृष्ट नमूना है, जो कि तकनीकी दृष्टि से विश्व के सबसे बेहतरीन शिल्प कलाओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों हरमिंदर साहिब के प्रवेश द्वार के पास सेंट्रल सिख संग्रहालय स्थित है। यह स्वर्ण मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस म्यूजियम में जाकर कोई भी व्यक्ति इस भव्य गुरुद्वारा इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इस भव्य स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त को काफी नुकसान पहुंचा था। इस ऑपरेशन में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में पीछे धर्म युद्ध मोर्चा को रोकने के लिए सेना और टैंक मंदिर में प्रवेश कराए थे, जिसके चलते सेना के जवान और सिखों के बीच काफी संघर्ष छिड़ गया था। वहीं इस ऑपरेशन में कई भारतीय जवानों की जान भी चली गई थी। वहीं इस निर्मम ऑपरेशन का बदला इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर लिया था। हालांकि बाद में साल 1986 ईस्वी में राजीव गांधी जी ने फिर से इस अद्भुत स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त का निर्माण करवा दिया था।
लेकिन फिर साल 1989 में इस तख्त को हटा दिया गया। इसके बाद साल 1999 में कार सेवकों ने फिर से अकाल तख्त का निर्माण करवा दिया।